खीरी में बाघ का आतंक जारी है। लोगों से प्रशासन अपील कर रहा है कि उस तरफ ना जाएं जहां बाघ देखा गया हो। पिछले हफ्ते इस इलाके में बाघ ने एक युवक की जान ले ली। वन विभाग लोगों को अकेले खेत की तरफ जाने से मना कर रहा है और ड्रोन कैमरों से बाघ की तलाश में जुटा है। लखीमपुर के बखमारा गांव में सुबह फिर से गांव के लोगों ने बाघ को देखा। अब प्रशासन उस इलाके में कॉम्बिंग में जुटा है। गन्ने की खेतों में बाघ के छिपे होने का अंदेशा है और उन्हीं खेतों में कॉम्बिंग की जा रही है। हाल यह है कि लखीमपुर के गांव में लोग रात रात भर बाघ के खौफ से जाग रहे हैं और जान बचाने के लिए मशाल जलाकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। बाघ को खोजने में जुटे हैं। बाघ के साए में खौफजदा गांव वाले मशाल जुलूस लेकर निकले हैं। बाघ के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर जो गांव वाले हैं लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गांव के नौजवान हैं वो लगातार गन्ने के खेत में जागते रहो और जो आवाज निकालकर बाघ को भगाना होता है वो यहाँ के लोग ट्रेंड हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जो नौजवान हैं वो आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ शेर को भगा रहे हैं, हमारे यहाँ शेर है। हाँ, 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक थे बाबा लगते हैं, उनको खा गया था। हाँ, तो इसीलिए तुम लोग लाठी डंडा लेके मार रहे हो सबको? हाँ, शेर को भगा रहे हैं। भगा रहे हो? हाँ भाई, हाँ सही है। स्कूल के बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने, घर में बैठे हुए हैं। दिन में भी खेत को नहीं आदमी जाता है चारा बनाने के लिए, मवेशियां भूखी रहती है, तो मतलब बहुत परेशान है। हाथ में हथियार लेकर पुरुष से लेकर इलाके की महिलाएं सुरक्षा का मोर्चा खुद संभाल रही हैं। इस तरह की तस्वीरें इस इलाके के कई गांव से आ रही हैं। लखीमपुर में बाघ के आतंक से लोग परेशान तो थे ही, सोमवार की रात जोखीपुरवा गांव में खेत में तेंदुआ भी दिख गया। गांव वालों के मुताबिक तेंदुए ने कुत्ते को निशाना बनाने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया। जंगली जानवरों के इस आतंक से जंगल के इलाके में रहने वाले परेशान हैं। हाल तो यह है कि लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। पीलीभीत से सोमवार को लोगों ने वन ऑफिस में डीएफओ को पत्थर बना लिया। प्रशासन ने किसी तरह समझा बुझाकर इन गांव वालों को शांत कराया। लगातार जंगली जानवरों के हमलों से लोग दहशत में हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश सीएम ने दिया है। अब देखना होगा कि ये आदमखोर कब तक हाथ आते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.